Today I will teach you exercise 2.4 polynomials and it is your chapter 2. Now listen this all these questions to understand everything from this exercise. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फैक्टराइज. तो इसको फैक्टराइज करना है हमने. तो कैसे करेंगे हम? ये है 12x² - 7x + 1. जैसा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट होगा, वैसे आपके चार के चार पार्ट होंगे. क्लियर? अब देखिए आपने क्या करना है, ये आपकी कौन सा पॉलीनोमियल कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंटू कर देते हैं. तो 12 × 1 = 12 होता है. ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया. अब आपने क्या करना है, जो मिडिल टर्म में जो नंबर है उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है. स्प्लिट मींस दो ऐसे नंबर में बदलना है कि प्लस या माइनस करके 7 आए और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 12 आए. तो वो नंबर क्या हो सकते हैं? तो हम 12 का क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे. तो 12 किस किस की टेबल में आता है? 1 12 = 12 होता है, और 2 6 = 12 होता है. 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 12 = 12, 2 6 = 12, और 3 4 = 12 होता है, और फिर 4 3 = 12, यानी कि रिपीट हो रहा है. ठीक है, 4 3 = 12 होता है, तो 3 × 4 बोलो चाहे 4 × 3 बोलो, बात एक ही है. तो ये तीन आपको जो मिले हैं इसी से हमने वो नंबर निकालना है. तो देखते हैं कि कैसे करके 7 आता है. अब जो हमें मिल गया उसमें से हम 7 देखते हैं. तो देखिए 6 और 2 कितना होता है, 8, और 6 - अगर 2 करेंगे तो 4 होता है. तो इससे तो नहीं आएगा, क्या इससे आ सकता है? 12 - 1 करेंगे तो 11 होता है, 7 तो आ नहीं रहा. 12 + 1 करेंगे तो 13 होता है, तो इससे भी नहीं आ रहा है. अब इसको प्लस माइनस करके देखते हैं कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो 4 - 3 क्या 1 हो रहा है, तो ऐसे में तो नहीं आ रहा. पर जब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7. तो इससे हम सॉल्व करेंगे, तो यानी कि 4 + 3 लिख सकते हैं 7 की जगह पे. तो 7 की जगह पे 4 + 3 हम इजीली रख सकते हैं, उसके पीछे जो x है वैसे रहेगा, प्लस 1 वैसे रहेगा. ठीक है, देख लीजिए 3 4 = 12 होता है, और 4 + 3 = 7 होता है. तो मैंने क्या कहा था, ऐसा नंबर रखना है बीच में कि प्लस या माइनस करके तो 7 आए, उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या आए, ये वाला 12 आए. ठीक है, तो यहाँ से वो मिल जाता है इजीली. इन नंबरों का हम प्लस माइनस करके देखते हैं कि किस में हमें बीच वाला नंबर मिल रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो ये x बाहर है, यानी कि x इसके साथ भी है. तो ठीक है, तो माइनस प्लस का भी खास ध्यान रखेंगे. तो माइनस प्लस का माइनस होता है 4 के साथ, तो x आ जाएगा. फिर माइनस प्लस का माइनस होता है 3 के साथ भी, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 1. ठीक है, मैंने कहा था x जो है इसके साथ भी दोनों के साथ है. अब हम माइनस प्लस का खास ध्यान रखते हैं ब्रैकेट ओपन करने पे. तो माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का यहाँ पे माइनस. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में भी कॉमन लेते हैं और इन दोनों में भी क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं. तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है, और दोनों में क्या है, x है. तो यानी कि 4x आपको क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है. तो कितना बचेगा, 4 कितने जा होता है, 12 3 जा होता है. यहाँ पर से x की पावर 2 थी, यहाँ 2x थे, 1x बाहर ले लिया यहाँ, तो कितने x बचे अंदर, 1 ही x बचा, माइनस, और ये पूरा का पूरा जो 4x है वो बाहर ले लिया. तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा. ठीक है, माइनस, अब इन दोनों में जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है. तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो आता ही है कॉमन, तो अंदर होगा 3x - 1. अब देखिए प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया. क्यों? क्योंकि ब्रैकेट लग गया, बाहर क्या था, माइनस है. अगर हम फिर इसको ओपन करते हैं तो हमें फिर यही टर्म मिल जाएगा. देख लीजिए, माइनस प्लस का माइनस तो 3x बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस तो 1 + 1 बाहर आ जाएगा. ठीक है, इसलिए जब ब्रैकेट लगाते हैं और आगे से अगर माइनस साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर के जो भी नंबर हैं जो बाहर थे वो साइन चेंज रहेंगे, यानी कि नेगेटिव था अंदर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव. ठीक, अब हम देखेंगे ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3x - 1 क्या आ गया, कॉमन आ गया, बचा क्या, 4x और -1. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइज हमने कर दिया है. इसी टाइप का आपका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मैं आपको डायरेक्ट फोर्थ बता रहा हूँ. अब इसको भी क्या करना है, हमने फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज करने का एक ही तरीका है कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसको इंटू कर दीजिए. तो 3 4 होता है आपका 12. अब इस 12 को क्या करते हैं, हम फैक्टर्स कर देते हैं. तो 12 किसके सीरियल में आता है, 1 12 = 12 होता है, 2 6 = 12 होता है, 3 4 = 12 होता है, फिर 4 3 = 12 रिपीट हो रहा है, तो यहीं पे छोड़ दो. अब हम इसी से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर का टर्म निकालेंगे. यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1x होगा. ठीक है, अब देखते हैं कि 1 कहाँ से मिल रहा है. 12 - 1 करेंगे तो 11 होता है. इनको जोड़ या घटा के हमें क्या मिलना चाहिए, 1. तो हमें सिर्फ यहाँ से वो मिल रहा है, यानी कि 4 - 3 क्या, 1 मिल रहा है. अब 4 3 क्या होता है, 12 होता है. ठीक है, तो यहाँ से हमें इजिली मिल जा रहा है. तो हम 3x² - - 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं,
फोर माइनस थ्री, पीछे है एक्स, ठीक है। इस टाइप का हम लिख सकते हैं। अब देखिए थ्री एक्स का, तो थ्री एक्स स्क्वायर का थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स है जो इसके साथ दोनों के साथ होगा, और माइनस का हमने खास ध्यान रखना है, तो माइनस प्लस का हो गया माइनस, और फोर के साथ भी आ गया एक्स, और माइनस माइनस का हो गया प्लस, थ्री के साथ भी आ गया एक्स माइनस फोर। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, दोनों में एक्स है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बचेगा थ्री, यहाँ पर एक एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्स बचेगा, माइनस फोर बचेगा, ये एक्स तो बाहर आ गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो वन कॉमन होता है, अंदर बचेगा थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक। अब देखते हैं, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो थ्री एक्स माइनस फोर, और क्या बचा आपका, एक्स और प्लस वन, एक्स और प्लस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, हमने सारे क्वेश्चन में इसी टाइप करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंटू करना है, उसको यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब हमें बीच में ऐसा नंबर चाहिए कि प्लस या माइनस करके तो ये आए, और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करके ये आए, ठीक है। तो हमें कैसे मिलेगा, हम 12 का क्या करेंगे, फैक्टर्स कर देंगे, तो इस टाइप से हम फैक्टर्स कर देंगे। तो देखते हैं 12 किस किस टेबल में आता है, तो इस टाइप में आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर चूज करेंगे जिसे प्लस या माइनस करके वन आ जाए, तो यहाँ पर यही नंबर मिल रहे हैं, फोर में से थ्री गया वन होता है, अब फोर थ्री जा ट्वेल्व होता है, तो हम इसको रख देंगे यहाँ पे, क्लियर। अभी आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री है, तो वो तो मैक्सिमम पावर टू वाला था, जो क्वेश्चन नंबर फोर था उसको तो हमने उस तरीके से कर दिया, पर अब इसमें मैक्सिमम पावर थ्री है, तो ये कैसे सॉल्व होंगे, इसमें मैक्सिमम पावर थ्री है ये कैसे होंगे, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री है, इसमें भी थ्री है, तो ये कैसे सॉल्व होंगे, तो जिस प्रकार फर्स्ट होगा उसी प्रकार आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होगा। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखना है कि किस हिसाब से सॉल्व होता है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, यानी कि ये एक्स है वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, पर इसमें वेरिएबल नहीं है, तो हम इस टू को क्या कर देते हैं, इससे हम क्या निकालेंगे कि टू किस किस की टेल में आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ टू, तो टू किस किस की टेल में आता है, वन की टेल में आता है और टू की टेल में आता है, और किसी की टेल में आता है, नहीं। तो वन और टू इसके फैक्टर हैं, तो माइनस वन और माइनस टू भी इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक। अब देखिए, अब आपके पास चार आपको मिल चुके हैं, अब इन्हीं से आपने क्या करना है, ट्रायल मेथड का यूज़ करना है, लिखेंगे बाय ट्रायल मेथड। अब ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे तो हमने क्या करना है, एक बार एक्स जॉब पे वन रख के देखना है क्या ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स जॉब एक बार टू रखना है कि क्या ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जहाँ से हमें जीरो मिल गया वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस पॉलीनोमियल का वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम, तो सबसे पहले एक्स जॉब पे वन रख के देखते हैं हम, दैट एक्स इक्वल्स टू वन। अब देखते हैं यहाँ वन रख के क्या आ रहा है, यानी कि वन का क्यूब हो रहा है, माइनस टू वन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा। अब देखते हैं क्या आता है, वन का क्यूब तो वन हो रहा है, और टू वन, वन का स्क्वायर वन होता है, टू वन जब टू हो गया, फिर माइनस वन और ये प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू, तो ये तो जीरो हो गए, और वन में से वन गया ये जीरो, तो यानी कि जब हमने एक्स बराबर वन रखा तो ये पॉलीनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर वन था और वन को इधर लाएंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये वन था इधर आ गया तो माइनस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ जीरो, ठीक, इस टाइप का हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ये इस टाइप हो जाएगी, तो हमने रफ में करना है कि अगर ये वन उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, इक्वल पे साइड जीरो बच जाएगा, तो यानी कि एक्स माइनस वन जो है वो उसका क्या है, फैक्टर है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर जीरो नहीं आता है तो आपने एक्स जॉब पे टू रखना है, नहीं आएगा तो माइनस वन रखना है, नहीं आएगा तो माइनस टू रखना है, और इस टाइप से आपने इसको क्या करना है, इस फॉर्म में चेंज कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे बाई डिवीजन मेथड,
अब आप डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे, जो आपका ये आया है इससे आपको इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, x माइनस वन से आपको किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको आप डिवाइड कीजिएगा। तो आपका डिवाइड करने का फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि जो इसका फर्स्ट क्या है टर्म है उससे फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, यहाँ पर रफ काम है। इस टाइप से करेंगे तो ये कटेगा, तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर थ्री थी, ऊपर नीचे एक्स एक है और एक से एक एक्स कट गया तो ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि जो ये आपका निकलेगा उसको आपने कहाँ रखना है, ऊपर। अब जो ये आ चुका है तो ये एक्स स्क्वायर को आपको इन दोनों के साथ इंटू करना है और उसको यहाँ लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स से करेंगे तो आपका एक्स क्यूब फिर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को जब वन से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वन जब होता है आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस होगा तो यहाँ पर के इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस। अब आपने देखना है कि एक्स क्यूब के आगे माइनस है और एक्स स्क्वायर के आगे अब क्या है, प्लस है। अब ये पुराने वाले साइन उनके आगे नहीं रह गए हैं, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, प्लस माइनस का माइनस, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया, कुछ नहीं बचेगा, और माइनस प्लस का, माइनस प्लस का माइनस होता है, टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना एक्स स्क्वायर बच गया, सिर्फ एक ही बचेगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, टू बड़ा है उसका कि नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन। पीछे जो बच गया उसको वैसे उतार देना है आपने, उतार दिया। अब फिर क्या करना है, फिर वही स्टेप जैसे ही किया था, इसके फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, ठीक। तो फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर और वहाँ का फर्स्ट टर्म है एक्स, तो ये और ये गए तो माइनस का तो माइनस और एक्स का एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स। अब जो यहाँ पर माइनस एक्स आ गया है, ये आ गया है माइनस एक्स, उसको इन दोनों के साथ आपने क्या करना है, इनटू। तो माइनस एक्स को एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस, फिर माइनस माइनस का प्लस और एक्स बन जा एक्स। अब फिर क्या करना है, साइन चेंज, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखना है जो एक्स स्क्वायर के आगे वो प्लस है और एक्स के आगे अब क्या है, माइनस है, पुराने साइन नहीं रह गए, तो माइनस प्लस का माइनस होता है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया कुछ नहीं बचेगा, फिर माइनस प्लस का माइनस होता है और एक्स में से एक्स गया कुछ नहीं बचेगा, तो आपका क्या बचा, टू। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, माइनस माइनस का प्लस, एक्स और एक्स टू एक्स, दोनों के आगे नेगेटिव साइन, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया, कटेगा नहीं, ठीक। फिर प्लस टू का प्लस टू यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस टू का प्लस टू यहाँ बच जाएगा। फिर हम देखेंगे, फिर हमने वही स्टेप लगाना है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में लगाया है, कि जो इसका फर्स्ट टर्म है माइनस टू एक्स है उससे इसको फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर देना है। तो एक्स से एक्स गया, आंसर आया माइनस टू, ठीक है। एक्स एक्स गया, माइनस टू बच गया, तो उसको आपने यहाँ रख देना है। जो ये माइनस टू आ गया है उसको इन दोनों के साथ इंटू कीजिए, तो माइनस टू को जब एक्स से करेंगे तो माइनस टू एक्स आपका आ जाएगा, फिर माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा और टू वन जा आपका टू हो जाएगा। अब देखिए प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का माइनस, ये और ये कट गए, फिर प्लस माइनस का माइनस, ये और ये कट गए, जीरो आ गया, ठीक है। अब जीरो आ गया है आपके पास, जो आपका बच गया है ये भी आपने ध्यान रखना है और ये भी आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होगा, ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है, जिसे आपने डिवाइड किया है, तो डिविडेंड क्या था, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल का इक्वल। डिवाइजर क्या है, जिससे आपने डिवाइड किया, तो एक्स माइनस वन से आपने क्या किया था, डिवाइड किया था। मल्टीप्लाई लगाने की लगा दीजिए, कोशेंट आपका क्या है, जो आपका ये ऊपर से आया है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस रिमाइंडर आपका क्या है, जीरो, ठीक। इस टाइप से आपने कर देना है। अब ये x माइनस वन का, तो x माइनस वन मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होता है। अब आपने यहाँ पर ये x की पावर 2 है, ये भी एक पॉलीनोमियल है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसको पहले के हिसाब से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से इसको स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं, 2 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म को इंटू कर देते हैं, 2 वन जा 2, यहाँ पर क्वेश्चन है तो 1 है, 2 वन जा 2। अब हम 2 का क्या करेंगे, फैक्टर, या तो 1 2 जा 2 होता है, बस यही होता है और तो हो नहीं सकता वो, तो 2 माइनस 1 यहाँ पर लिख सकते हैं और ये x साथ में रहेगा माइनस 2,
ये जीरो के तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए टू में से वन गया, फिर यहाँ पे वन आ जाएगा, और टू वन जाए क्या होता है टू, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम को इंटू करके टू आया था ना, तो इन दोनों को इंटू करेंगे टू होता है, माइनस करेंगे तो फिर वन ही हो जाएगा, ये आएगा एक्स माइनस वन। और अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट ऊपर, तो ये एक्स है वो इन दोनों के साथ माना जाएगा, ये आपको क्लियर पता है। अब माइनस क्या करेगा, सॉल्व करेंगे माइनस से, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस का होता है माइनस, टू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का होता है प्लस, और एक्स बन जाए एक्स माइनस टू। अभी एक्स माइनस वन हो गया, अब इन दोनों में भी कॉमन लेंगे, इन दोनों में भी कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स, अंदर बचेगा एक्स माइनस टू, यहाँ पर एक एक्स हो जाएगा, यहाँ पर टू बचेगा क्योंकि इन दोनों का एक्स तो बाहर आ गया, फिर प्लस इन दोनों में जो कॉमन होगा वन होगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन है ये, फिर इन दोनों में कॉमन एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस वन पहले से बाहर था, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू इन दोनों में कॉमन आ गया, बचा एक्स और प्लस वन, एक्स और प्लस वन, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पर चलता रहेगा तो इसका ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ योर थर्ड पार्ट इज दिस, अब देखिए आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें देखना है कि आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये आपको कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या करना है फैक्टर्स, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20, तो 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 20 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 22 की टेबल में आता है, क्या वो 3 की टेबल में आता है, नहीं, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता है, 9 की टेबल में भी नहीं आता है, 10 की टेबल में आता है, फिर सीधा किसकी टेबल में आता है, 20 की टेबल में ही आता है। तो पॉजिटिव में ही इसके जो फैक्टर हैं तो वो नेगेटिव में भी होंगे, नेगेटिव में भी होंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, अब इन 12 नंबर को हम यहाँ पर रख के देखेंगे एक्स जगह पे कि कौन से उसमें ये जीरो आ रहा है, तो एक बार हम सपोज माइनस वन रखते हैं एक्स जगह पे क्या आता है, तो ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, बाई ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे, तो एक्स जगह पे सपोज एक बार वन माइनस वन रख के देखते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, अब देखते हैं यहाँ पे माइनस वन रखते हैं जहाँ जहाँ एक्स है, तो माइनस वन का क्यूब हो जाएगा प्लस 13 माइनस वन की पावर 2 प्लस 32 माइनस वन देन 20, माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन आएगा, ये आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है कि अगर ऑड नंबर में क्या है पावर है तो नेगेटिव साइन नहीं हटता है, फिर 13 ये माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 13 से इंटू करेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का माइनस 32 में बन जाएगा, 32 होता है प्लस 20, ठीक। अब क्या करेंगे इन दोनों को जब सॉल्व करके देखते हैं, माइनस प्लस का माइनस, तो 13 में से बन गया 12 बचेगा, और फिर इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस का माइनस, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में जो बड़ा है उसका साइन यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों में जो बड़ा है 32 है उसका नेगेटिव, और ये गया 0, तो यानी कि जब हमने एक्स बराबर माइनस वन रखा तो आंसर क्या आ गया 0, तो यहाँ से हम रफ में क्या निकाल देंगे, माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन हो गया तो प्लस वन, इस साइड क्या बचेगा 0, तो यानी कि कहा जा सकता है एक्स प्लस वन, लिखेंगे एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर रफ काम है, तो यहाँ से हमें मिल गया एक्स प्लस वन, अब एक्स प्लस वन से हम क्या करेंगे, जो ये पॉलीनोमियल है उसको क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है, लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड, या लिख सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो बाय लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, आप देखिए आपने कैसे करना है, फिर वही मेथड लगाएंगे, जो ये फर्स्ट टर्म है उसे फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, तो इस टाइप का डिवाइड होगा, एक्स से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स की पावर 2, उसको हम कहाँ लिख देंगे यहाँ, यहाँ लिखने पे ये जो एक्स स्क्वायर है उन इन दोनों का साइन इंटू करेंगे, तो इन दोनों का साइन इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को वन से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब देखिए एक्स क्यूब क्या आ गया माइनस है और एक्स स्क्वायर क्या आ गया क्या है माइनस है, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, तो ये और ये कट गई 0 हो गया,
ठीक। अब दूसरा देखेंगे हम प्लस माइनस का माइनस, तो 13x² में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना एक्स स्क्वायर बचे, 12x², ठीक है। इसका कुछ नहीं तो प्लस है, इसका कुछ नहीं तो प्लस है, तभी तो हमने प्लस माइनस का माइनस किया तो ये कट गया, ठीक। अब जो बच गया वैसे उतार दीजिए, 32x + 20। फिर क्या करेंगे, फिर इसी टाइप का हम सॉल्व करेंगे, जो ये फर्स्ट टर्म है 12x² और इसका फर्स्ट टर्म है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये और ये कट गया तो बचेगा 12x, 12 का 12 और x का x, उसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ। तो ये इसका इक्वेशन नहीं तो प्लस है, प्लस 12x। अब क्या करते हैं हम, जो ये 12x है प्लस में, उसको इन दोनों के साथ इंटू कर देते हैं, तो 12x को इससे क्या, तो 12x² आ जाएगा, और 12x को 1 से क्या, तो ये आ जाएगा 12x। फिर सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो अब माइनस हो गया, ये प्लस है तो अब माइनस हो गया। फिर देखते हैं प्लस माइनस का माइनस, तो ये और ये जीरो हो जाएंगे। फिर प्लस माइनस का माइनस, तो इन दोनों को माइनस किया तो आपका आ जाएगा 20 और x का x, अब पीछे बचा है प्लस 20, ये बच गया उसको उतार दिया, ठीक। फिर हम जैसे ये किए थे वैसे फिर करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है 20x और इसका जो फर्स्ट टर्म है, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा, सिर्फ 20 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस 20, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर प्लस 20। तो इस 20 से फिर इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपका 20x और 20 आ जाएगा। तो देखिए इसका कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का माइनस होता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस ये कट गया, प्लस माइनस का माइनस ये कट गया, जीरो आ गया, ठीक। तो अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम इस प्रकार का फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड क्या है जिसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमने लिख दिया, डिवाइजर क्या है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको लिख दिया, कोसेंट क्या है जो आपको ये ऊपर से आ गया इसको लिख दिया, रिमाइंडर क्या है जीरो, तो हाँ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन, अभी देखिए इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सॉल्व किया कैसे करना है, ये तो जीरो हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इंटू कीजिए तो 120 जा 20 होता है। अब आपने बीच में ऐसे नंबर रखने हैं कि प्लस माइनस करके 12 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए, ठीक है, उन्हीं दो नंबर का। तो 20 का हम क्या करेंगे, 1 × 20 करेंगे तो 20 होता है, 2 × 10 जब भी 20 होता है, और 4 × 5 जब भी 20 होता है, फिर 5 × 4 जब होता है तो रिपीट हो रहा है, 4 × 5 जब बोलो 5 × 4 जब बोलो, बात एक ही है। अब इन तीन चीज़ों से हमने वो निकालनी है, इन तीन चीज़ों में एक चीज़ याद रखनी है, तो कैसे करके 12 आया इनको प्लस माइनस करके देखना हमने, ठीक है। तो 4 और 5 को जोड़ा तो 9 होता है, तो 12 तो अभी भी नहीं हो रहा है, और 10 और 2 को जोड़ा तो 12 होता है, तो इससे हो रहा है हमारा, ठीक है। तो 10 और 2 को जोड़ा 12 होता है, और इन्हीं दो नंबर को इंटू किया तो 20 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बोल सकते हैं 10 + 2, ठीक, क्लियर, एक्स प्लस वन यहाँ पर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है इन दोनों के साथ है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में भी कॉमन, इन दोनों में भी कॉमन, इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक्स है, तो यहाँ पर एक ही एक्स बच जाएगा, प्लस 10 बच जाएगा, क्योंकि ये एक्स बाहर आ गया, यहाँ से भी एक एक्स बाहर आ गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 2 के टेबल से डिवाइड होता है, तो 2 क्या आ गया कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स, और 2 कितना जाता है 20, 2 × 10 = 20। अगर फिर इन दोनों को इंटू करते हैं तो फिर ये आ जाएगा, देखिए 2x 2x 2 × 10 = 20, ठीक। अब वो यहाँ भी है तो कॉमन, एक्स प्लस 10 कॉमन आ गया, बचा गया एक्स और प्लस 2, तो इसको यहाँ लिखते जाएंगे आप तो उसका आंसर आ गया ये, और ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा।